वाह, ऐसा दिग्गज न्यूज मिल गई है भाई। दिग्गज न्यूज सबसे बड़ी ये है कि बाबर आजम दोबारा से कप्तान बन चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नहीं पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड। एक और कॉमेडी होगी, मैंने पता नहीं हम पिछली वीडियो में कोई इसी किस्म का जोक कर रहे थे कि सब रिवर्स पे चला हुआ है, पीछे वाला सब हो रहा है। बाबर भी आएगा और फिर आमिर भी आएगा, इमाद भी आएगा, अभी इमरान खान को भी मेरे ख्याल में वापस टीम में डाल देना चाहिए। तो दोस्तों ये तो कप्तान बन गए बाबर, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी भी मेरे ख्याल में आईपीएल के भी बड़े दोस्त जो है वो नाराज हो रहे हैं कि कोई बात ही नहीं की पिछले 4-5 दिनों से, तो कुछ बनाया नहीं उसके बारे में। कोहली वोली नहीं मीनिंग्स के लिए नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, जिसे जो देखना होगा देख। खैर, सबसे पहले बात करेंगे हमारे दोस्त बाबर आजम के बारे में, जो कि कप्तान बन चुके हैं यार, फिर से कप्तान बन चुके हैं। देखो फिर यार कैसे वक्त जो है ना वो गुजरा, वक्त बीत नहीं बता यार। क्यों लिए तुमने कप्तानी यार, क्यों ली है कप्तानी? अब जितना इसके ऊपर अब प्रेशर होगा ना भाई परफॉर्म करने, क्योंकि अब जो वो सब लोग चुप हुए ना वो कहेंगे हाँ जी तू वापस आ गए, तूने बड़ी तोड़ा मार दी। और कप्तानी तो फिर भी कैप्टन उतना ही अच्छा होता है जितनी आपकी टीम अच्छी होती है। अभी जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी उसके अंदर क्या कप्तानी के मसाइल थे या उसके अंदर प्लेयर्स के मसाइल? जब कप्तान ने अपने बॉलर को कहा है कि भाई इस लिहाज से मैंने फील्ड सेट की हुई है, बॉलर आपका जो है वो स्पिनर फुल टॉसें फेंकना शुरू कर दे, तो कप्तान क्या करे? जाके बॉलिंग भी कराएगा क्या? हम हर मैच बॉलिंग की वजह से हारे हैं। शाहीन, उसके बाद जो भी बेचारा हसन अली, तो वैसे ही सेकेंड चॉइस होती थी। रूफी और स्पिनर्स जो भी थे, शादाब और शुरू में नवाज जो थे, और उसके बाद भी जो उनको रिप्लेस करके भी दिग्गज प्लेयर्स आए थे, उन्होंने भी आगे फुल टॉसें फेंकी थी सब ने, हर ओवर में 2 फुल टॉसें फेंक रहे होते थे। उस पर कप्तान क्या कर सकता है? जाके बॉलिंग तो नहीं कर सकता ना, या बैट्समैन को कह के तू पीछे खड़ा हो, फुल टॉस को ठप्पा खाने दे। खैर, मेरा ख्याल में निहायत ही बुरी डिसीजन है मिस्टर बाबर आपकी ये कप्तानी लेकर। अब आपको परफॉर्म ही करना पड़ेगा। मैं तो कब से लगा हुआ था कि बेटा खाली बैटिंग के ऊपर फोकस रहो और मजे करो, ब्रांड्स के साथ पैसे वैसे कमाओ और बैटिंग करो, स्टैट्स बनाओ। तो पता है अभी पता नहीं क्यों उन्होंने कंडीशंस भी साथ लगा दी कि ये भी होगा वो भी होगा फला। मुझे तो पहली बात ये बताओ कि जब ज़का अशरफ इनको ये कहा था कि यार ख्याल में एक फॉर्मेट से सिर्फ अपनी रिटायरमेंट ले लो, तब उन्होंने इनकार कर दिया था और अभी सिर्फ व्हाइट बॉल के कप्तान बन गए। रेड बॉल जो शान मसूद, मेरे ख्याल में ये भी उन्होंने बात की कि मुझे अगर देनी तो सबकी देनी, तो शान मसूद अब इनसे नाराज, शाहीन इनसे नाराज, इमाद तो पहले ही नाराज था, मोहम्मद आमिर भी नाराज जो कि अब सब स्क्वाड के अंदर आए हैं, तो क्या कोई नेक्स्ट लेवल की ग्रुप बंदियां होंगी? खैर, बहुत से लोग इस बारे में यही कह रहे हैं कि इसको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। बहुत से तो ये भी हमारे जो माशाल्लाह जो नए नए जो देखना शुरू करते हैं ना, उनके तो इसी तरह भाई थे, ये थे वो थे, कुछ शायद अब भी आके रोना चाहिए लोगों को कि भाई शाहीन अफरीदी से क्यों तुमने ले ली भाई, ने तुम्हें ऑफर हुई थी। जब शाहीन को ऑफर हुई थी तो उसने उसके खिलाफ तो बड़ा बोल रहे थे कि भाई तूने बाबर को खंजर घोंप दिया कमर में। भाई प्रोफेशनल, असल में अभी तक बेचारे जो यूनिवर्सिटी से भी पास आउट नहीं हुए ना, जरा प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे 5 साल 10 साल जरा रगड़ा खाओगे तो पता चलेगा कि असल लाइफ क्या है। खैर, बच्चे जो है वो इंस्टाग्राम पे रीले शीले और इस किस्म की चीजें बना रहे थे कि उसकी कमर में खंजर घोंप दिया है, तो अभी बाबर ने भी फिर कमर में खंजर घोंप दिया शाहीन के, और शाहीन की भी कमर में खंजर घोंप दिया। पता नहीं क्या कुछ घोंप रहे हैं, तो क्या कुछ ही चल रहा है, बकवास किस्म की बातें होती हैं इस किस्म की जितनी भी होती हैं। सब प्रोफेशनल स्पोर्ट खेल रहे हैं, आपस में खेलो, मैच परफॉर्म करो, नहीं तो निकलो। इसी किस्म की यारियां दोस्तियां, और ये रोटी गैंग था फलाना, उसकी शादी पे आ गया तो उसकी सबसे आगे खड़ा होकर नाच रहा था। मैं बल्कि इसके अंदर ब्लेम करूंगा पीसीबी को, जो कि इस किस्म की बकवास वो जो घरेलू इनकी वीडियोज बना बना के शेयर कर रहे होते हैं, और हमारी आवाम तो वैसे ही आपको पता है किस किस्म की, वो तो एक्टर्स को भी असली किरदार समझ लेती है। अगर आपने कोई पॉजिटिव करेक्टर की तो वो यही समझते हैं कि ये बंदा ही पॉजिटिव है, और कोई नेगेटिव करेक्टर करता आ रहा तो वो यही समझते हैं कि बंदा ही गंदा। खैर, सो बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अब मेरा ख्याल में बाबर को कम से कम भी फाइनल तो खेलना पड़ेगा, और फाइनल भी वो वाला फाइनल नहीं जो पिछली दफा उन्होंने खेला था। मुझे तो अभी ये समझ नहीं आ रही कि ये मैनेज किस तरह करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल इमाद और आमिर के साथ वही हरकत होगी ये जो वो T20 के वर्ल्ड कप के अंदर भी हुई थी जो पिछला था। ये दोनों टीवी के ऊपर बैठे हुए थे, हम हार गए थे जिम्बाब्वे से भी, हम हार गए और हम हर बुक हर लिहाज से आउट हो गए थे टूर्नामेंट से। जिम्बाब्वे सख्त से आप जब हार जाए तो फिर पीछे क्या रह जाता है, और उन्होंने उसी एक हफ्ते के अंदर आके टीवी के ऊपर आके खूब मजाक उड़ाए थे कि ये गंदे 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 गंदे, और उसके बाद जो है वो हम आगे चले गए, और वो इसलिए चले गए क्योंकि नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को आउट कर दिया। हम आगे चले गए तो इन दोनों के ऊपर जो वो सट्टा जारी हो गया था कि यार ये हम और क्या कर सकते हैं। उस वक्त भी सच बोल रहे थे, जो जो भी उन्होंने फीडबैक दिया था टीम के ऊपर बिल्कुल सच था, लेकिन बस वो कुछ कुदरत का करिश्मा इस तरह हो गया कि हमारी टीम आगे चली गई और हमारा जो है सब गंदगी जो है वो कारपेट के नीचे चली गई थी। तो अभी फिर वो यही बेचारे ये आए टीम के अंदर वापस शाहीन का देख, और उसको बड़ी उन्होंने आके चाके दिखाएंगे भाई अब तो नीचे आ गए हो, हमारे लेवल पे हो, अब कैसा महसूस कर रहे हो, तुम भी प्लेयर बन गए, कोई इस किस्म के ताने वाने तो दिए होंगे इसको, और अब वो फिर 2 घंटे के बाद कप्तान बन के सर पर बैठ गए भाई अब कैसा महसूस कर रहे हो, नीचे तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, यार क्या है कॉमेडी बोर्ड पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड। खैर, जहां तक बात है कप्तानी चेंज होने की, तो मैं खुद यही कह रहा था कि शाहीन को कप्तान नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं कि शाहीन ये है शाहीन वो है फलाना पीएसएल में व्हाटएवर, उसकी टीम में जगह नहीं है भाई,
कप्तानी शप्तानी साइड पे करो, उसकी टीम में ही जगह नहीं है इस गंदी फॉर्म के साथ। अच्छा वैसे कप्तानी साइड पे होगी, शायद कोई बॉलिंग में कोई इक्का दुक्का मैचेस के अंदर भी इसको सीरीज खिला दे, अगर उसको नई लाइन एंड लेंथी जब बंदे की नहीं हो रही है, पेस आपके पास है नहीं, आप टांगों पे हिप के निशाने ले लेके आप जो ना इधर कूल हो के निशाने लेके अब इधर आप बॉल करा रहे, इधर कोई मेरे जैसा जो ना लल्लू भी वो भी इस तरह फ्लिक करके आराम से छक्के चौके मार दे, फुल टॉसें फेंक रहा था ये यॉर्कर के नाम के ऊपर, और ये टांग वाली लाइन जो इसने पकड़ी हुई है जिसके ऊपर ये बॉलिंग करा रहा है, वो जावेद मदद कर रहा है कि क्या कुत्ता है जो मेरी टांग के पीछे पड़ा हुआ है, टांग पे बस काटेगा क्या व्हाटएवर, वो जिस तरह बाइक पे आप जा रहे हो तो पीछे पड़ जाना टांग के पीछे ही पड़ता, उस तरह ये बॉलें फेंक रहा है टांगों के ऊपर भाई, वो एक महीना दो महीना तीन महीने तो ये करा दे। अच्छा फिर बहुत आएंगे पीएसएल में विकटें भी गिनवाएंगे, और भाई विकटों से कुछ नहीं होता, किस किस्म की विकटें वो भी देखनी पड़ती है, कौन सी क्लास की बॉलिंग, नहायत गंदी फॉर्म में है तो इस फॉर्म के ऊपर तो इसकी जगह ही नहीं बनती है टीम के अंदर, कप्तानी तो दूर की बात है। तो खैर अब अच्छा है उससे थोड़ी कप्तानी शप्तानी हटी, को थोड़ा दिमाग उसका जो है वो इतना नहीं है कैपेसिटी कि सब चीजें एक साथ ही मैनेज कर रहे हो, अभी आप बॉलिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर फोकस करना है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा शायद अफरीदी साहब भी जो है पिछले दिनों गालियां खा रहे थे पूरी आवाम से, इसलिए क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बगलगीर कर लिया था, उनकी पार्टी कर ली थी, और अब उन्हीं के देखो दामाद को जो है उन्होंने निकाल भी दिया, गेम तो वैसे दुख तो हुआ हो। खैर ये कॉमेडी तो चलती रहेगी भाई, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब क्या करेगा बाबर, से बैठा रहता हमारी पूरी आवाम जो है बस उसको जज करने में लग जाएगी। अब ये अब कप्तानी शप्तानी मैंने पहले ही बताया कि ये प्लेयर्स से ही डिपेंड करता है, कप्तानी एक हद तक कप्तानी का सिर्फ काम ये होता है कि आप गंदे डिसीजन ना लें, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और वो सब चीजें तो चल रहे तो बड़ी मेहरबानी होती, बस आपने सिर्फ गंदे डिसीजन नहीं लिए, इतना तो हर कोई कर ही लेता है, कम से पांच में से तीन मैचेस के अंदर तो ये अच्छी कप्तानी कर ही लेता था, दो के अंदर करता था गंद, डेढ़ एक दो के अंदर मैं कहूंगा गंद कर रहा होता था, लेकिन बाकी आपकी टीम भी नहीं थी कुछ। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इमाद और आमिर तो वैसे ही है नाराज, ऊपर से शाहीन और इफ्तिखार की भी नहीं लगती है, शाहीन और हारिस की भी नहीं लगती, उन्होंने जो हारिस को बाहर भी किया हुआ था टीम से, शाहीन और बाबर की भी ऑफ कोर्स नहीं बनती है, रिजवान मेरा ख्याल में वो बाबर के साथ ही हैं, तो नेक्स्ट लेवल किस्म की गंदी ग्रुप बंदी होगी इस टीम के अंदर अगर इसी तरह माहौल, और ग्रुप बंदी खत्म करने के लिए बाबर को इन सब लोगों को जो है बाहर निकालना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। खैर शायद अफरीदी भाई जो है वो भी सरप्राइज है, उन्होंने तो कहा है कि यार ये बड़ा गंदा, और उन्होंने एग्जैक्टली वही बात की जो मैं भी करता कि कप्तानी भी चेंज होनी चाहिए थी, और अगर होनी चाहिए थी तो रिजवान को मिलनी, बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री कि इसी तरह होना चाहिए था, जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो रिजवान में ज्यादा बेहतर हैं, इवन बाबर से भी ज्यादा बेहतर जो है वो रिजवान के अंदर। खैर एज अ बाबर फैन भी मुझे नहीं अच्छा लगा कि ये और मजीद जो है वो गंदबंदी फैलेगा, मेरा ख्याल में तो उसको सिर्फ बैटिंग ही करनी चाहिए थी, अभी बैटिंग में इंप्रूवमेंट भी आई थी, स्ट्राइक रेट वगैरह भी ऊपर ही जा रहे थे, पीएसएल बड़ा अच्छा गया उसका, तो आई डोंट नो कि क्या जरूरत थी। लेट्स होप कि आमिर भी रहे इमाद भी रहे टीम में, क्योंकि इन दोनों की वजह से टीम जरा स्ट्रांग लग रही थी, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल में टीम तो सॉलिड है, तो टीम अगर अच्छी हो आपकी तो कप्तानी भी अच्छी हो रही होती, टीम बुरी हो तो फिर कप्तानी बुरी होती, तो लेट्स होप कि ऐसे टीम की कॉम्बिनेशन में कोई बकवासियत ना हो, टीम कम अज कम बैलेंस्ड रहे, अपनी यारी दोस्ती गैंग। एक चीज तो कंफर्म है कि बाबर को पता चल गया है कि जब आप ऊपर बैठे हुए थे आप अपनी यारी दोस्ती के अंदर बड़े डिसीजन ले रहे थे, और उसके बाद उसको पता चल गया था कि भाई जब नीचे उतारना होता तो नीचे उतार दो यारी दोस्ती। इनफैक्ट यारी दोस्ती से याद है कि शादाब भी बाबर जब चले गए तो बड़ा खुल के बयान दे रहा होता था कि शाहीन अफरीदी बिल्कुल सही कप्तान है, बिल्कुल सही कप्तान, क्योंकि बाबर ने तो उसको रखा नहीं था ना, बाबर के होते भी शादाब को टीम से बाहर किया था, तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज है। तो यारी दोस्ती वाला एलिमेंट मेरे ख्याल में अब शायद उन्होंने सीख लिया कि यारी दोस्ती से कुछ होना नहीं है, एंड में आप ही ने जलील होना है, बेहतर की उम्मीद तो है कि अब सेन मेरिट के ऊपर डिसीजन लो, जो बंदा बाकी डिजर्विंग है आपने उनको मैनेज करना है, ग्रुप बंदी है वट एवर, लेकिन खोते से जो है ना वो काम निकलवाना पड़ता है, वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना, तो ये सीखना पड़ेगा बॉय को। खैर कुछ थोड़ी बहुत बात मैं कर लेता हूँ आईपीएल के बारे में भी, यार बहुत कुछ हो गया है वैसे बीच में, पता नहीं चार पांच मैचेस के अंदर मैंने तो बात ही नहीं की, कुछ करूंगा आगे मैचेस वगैरह भी देखूंगा। कोहली का एक मैच हुआ था जिसके अंदर कोहली मेरा दोस्त लोन वॉरियर जो खड़ा रहा 70-80 की, बाकी टीम फिर से जो है वो धोखा देगी, बाबर और कोहली मैं बता रहा हूँ ये सेम ही वो है, ये मासूम भी अकेला परफॉर्म करके जो है टीम वो फिर जलील कर दी थी और हार रही होती थी टीम, और फिर बाद में कह रहे थे सेल्फिश इनिंग्स, केकेआर की टीम के खिलाफ हो रहा था, गंभीर जो है वो है केकेआर के अंदर, तो दोनों की आपस में राइवलरी जो है वो पिछले सीजन से चली हुई थी, तो उसके ऊपर फिर आ गया वजह से जीता है। शुरू में मैं मैच के अंदर बड़ी चुमिया चाटियां वैसे ये कर रहे थे, और जब मैच जीत गए गंभीर की टीम तो उन्होंने बाद में कोई बयान शैन भी दिए कि जी हमें हमेशा बड़ा बुरे लगते थे आरसीबी वाले, क्योंकि उन्होंने कुछ जीता नहीं था और समझते थे कि हम बहुत बड़े चैंपियन भी, वैसे चुप नहीं होना। खैर मैं देख रहा था कि इनकी तरफ से नारायण ओपन कर रहा था, मुझे तो पता नहीं है कि वो अभी भी खेलता है और अभी भी ओपन ना कर रहे, और कर की 17-18 बॉल के ऊपर 47-48 रन बना के वो चला गया, कमाल इनिंग्स खेल के गया, बीच में हमें एंड में 2-4 बॉल उसने मिस करी, 17-18 बॉल पे ही था, तो छक्के मार मार के उसने मैच वहीं पे खत्म कर दिया था, पावर प्ले के अंदर ही मैच खत्म हुआ। राजस्थान और दिल्ली का भी मैच हुआ था जिसके अंदर राजस्थान जीत गया, दिल्ली मेरे ख्याल में जीतने वीतने के लिए नहीं आई हुई, अभी भी कोई मैच हो रहा है, पंट ने बड़ी मारी है 50 मारी है भाई पंट ने, अभी जो मैच हो रहा है इनका चेन्नई वालों के साथ पता नहीं उसके अंदर क्या बनेगा, मैं तो ये वीडियो बना दी क्योंकि बहुत ही लेट हो जाता है फिर, तो पंट की शुक्र है वापसी हो चुकी है, 50 रन उसने बनाए एंड में, मतलब शुरू में फिर ओडीआई खेल रहा था लेकिन एंड में आके खूब फ्लैट छक्के मारे, मेरे बॉय ने वेट बड़ा लूज किया हुआ मेरे दोस्त, वो तो पहचान में नहीं आ रहा था कि ये वही अंदर से
हेलमेट के अंदर से पार्टी निकल रहा है। मैंने पिछले मैच में भी इसने फिर यही कोई 28 रन बनाए हुए थे कुछ 26 बॉलों के ऊपर, और फिर आउट होने के बाद जो है वो द्वारों के ऊपर भी पीट रहा था, बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, गलत आउट दे दिए मुझे। तो आज के मैच में जो इसने बचा लिया। उधर नरेंद्र बरगर जो है उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, 153 के ऊपर करा रहे। एक और फास्ट बॉलर आया है भाई इनका, 155 के ऊपर मेरे ख्याल में बॉल कराई उसने, मयंक यादव नाम है इनका, और कमाल लाइन एंड लेंथ के ऊपर बॉलिंग कराई है। कल का जो मैच हुआ उसके ऊपर हुई, ये छाती के ऊपर बॉल आ रही है सर, पीछे छलांगे मार मार के जो रन छन पड़े ना, पहले तो 3 ओवर के अंदर इसने 3 विकेटें भी ली हैं क्रूशियल टाइम के ऊपर आके। मेरे ख्याल में कोई भी आउट नहीं था, 81 रन के ऊपर ही खड़े हुए थे, और इसने आके एक तो 150 की स्पीड के ऊपर बॉलिंग भी कराई है। ऊपर से भाई ये खाना शुरू हो गए हैं प्रोटीन चिकन विकन और वो सब चीज़ें, तो अब आप लोगों के जो मजे होते थे ना कि हमारी बड़ी गति वाले तेज फास्ट पेसर वगैरह, वो भी फैक्ट्री उधर जाने लगी है। तो ये हर सीजन के अंदर एक तो निकाल रहे हैं, हमारे तो PSL में मुझे नहीं याद पड़ रहा कि किसी ने 155 पे बॉल कराई। सूरत बॉलिंग करा के गया, और मेरा ख्याल में वो उम्मी मलिक जो मेरा दोस्त है उसका तो उससे तो बहुत बेहतर है। उम्मी को भी कुछ शर्म आ जाएगी मेरा ख्याल में उसके बाद जो है वो अब थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी तक तो बड़ी गंदी बॉलिंग करा रहे हैं वो फिर से, और पिछले सीजन ही बहुत ही गंदा। ये इंडियन सेलेक्टर्स है ना, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि भाई ये जो इस किस्म के जो पेसर्स होते हैं ना, इनको अब आप डोमेस्टिक में नहीं जलील कर सकते कि जा बेटा आप डोमेस्टिक के अंदर जो 5-5 दिन 4-4 दिन आप जो है बॉलिंग ही करते रहे, इसने जाया हो जाना है। स्पोर्ट्स कार के अंदर आप रोजाना ऑफिस के अंदर नहीं जा रहे होते, वो ये इस काम के लिए बनी हुई नहीं होती, तो ये कोई गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, इनको दूसरी तरह से लेके चलना होता है। और उससे पहले भी जो मैच हुआ था उसके अंदर संजू ने बड़ी बेहतरीन कप्तानी की थी, आवेश खान ने लास्ट ओवर एक कराया था, अभी मुझे वो मैच तो उसको 4-5 दिन हो गए, लेकिन क्या खूबसूरत ओवर कराया था, उसे फेंड कर लिए थे उसने। पांडू मेरे दोस्त की वही खबरें हैं, वो मेरे हमें ढीट अभी भी उसी तरह ढीट ही बने हुए हैं, उन्होंने कोई इस किस्म की भी बातें मेरे हमें को मलिंगे के साथ भी उसकी कोई चक्कर बक्कर चल रहे हैं। और मलिंगे से याद है वो मलिंगे का जो एक्शन वाला है इनका, ये बांग्लादेशी जो बॉलर चेन्नई के अंदर, उसने क्या कोई यॉर्कर मारे हैं भाई, ये नीचे से तो वो मलिंगे की तरह बॉल करा रहे, और उसी की मतलब ना सिर्फ एक्शन वो है बल्कि वो यॉर्कर भी वही वाले मारे हैं, उसने परफेक्ट यॉर्कर मारे हैं, मैडसन भी आउट हो गया ना तालियां बजाते हुए, बेहतरीन बॉल कराई है, 2 बॉलों पर 2 बोल्ड, वो भी 150 के ऊपर बॉलें करा रहे होते हैं, हमारे तो यार पेस फैक्ट्री तो बेचारी बिल्कुल ही ठुस पड़ी है। खैर तो पांडू जो है उनको मेरे हमें 277 खा के भी वो थे कि मुझे बड़ा पसंद आया जो कुछ मैंने देखा, तुझे यही पसंद आएगा बेटा, ये इसने खुद ये अपना दुश्मन खुद ही है भाई, पांडू को कोई मार सकता है ना तो वो पांडू खुद है और कोई नहीं मार। तो ये शोधापन जो है ना ये असल में इन सब के ऊपर आया है कोहली की वजह, लेकिन कोहली में ना सब्सटेंस वो है जो इनमें से किसी में भी नहीं है, पांडू हो गया ईशी किशी हो गया नई लॉट जो आई ना इनकी, ये सिर्फ शोधापन कॉपी कर रहे हैं, इनके अंदर वो वाली बात नहीं है, उतना गुदा नहीं है तुम लोग। इसके बारे में आगे फिर कभी बात करेंगे डिटेल में कि ये सिर्फ टैटू बनवाना और स्वैग करना और वो शोधा और एग्रेशन और इस किस्म के जो कूल माइंडसेट जो आपने स्वैग बनाया है ना बेटा, इसके साथ फिर बहुत ज्यादा कुछ और भी करना पड़ता है। वो बंदा जो ना पहले परफॉर्मेंस में कर रहा था, उसके बाद उसकी निकल रही थी एग्रेशन, उसकी जो बेगम आई है ना उसने आके उसको फिर रिफाइन किया है, पूरी एक PR भी उसके ऊपर चली है, तो प्रॉपर इमेज बिल्डिंग और प्रॉपर रिफाइन होके बड़ा बेहतरीन किस्म का प्रोडक्ट बना है। आप में वो कुछ भी नहीं है जितने भी जिनकी नई लॉट निकल के आ रही है। So, ये प्रॉब्लम बनेगा मेरा ख्याल में ये जब शर्मा कोहली और इस किस्म के धोनी भी मतलब ये लोग जब साइड पे हो जाएंगे बिल्कुल ही, तो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम बनेगा इंडिया के लिए, क्योंकि फिर सिर्फ एक शोधी ब्रीड ही रह जाएगी, जो कि हाँ 2 मैचेस जीत जाएंगे 5 में से जो 3-2 मतलब सीरीज इस तरह का कुछ हो जाएगा, बिल्कुल डोमिनेंस नहीं रहेगी, लेकिन शोधापन जो है वो टॉप पे ही रहेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को छूने, अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक बटन को छूने, और सब्सक्राइब नहीं कर लो यार चैनल सब्सक्राइब, तुम लोग तो बिल्कुल ही यार मतलब बिल्कुल ही सड़ जाते, लौंडे सड़ जाते हैं, ये कॉन्टेंट ही लौंडों के लिए बना रहा हूँ ना इसलिए वो सड़ जाते, प्रमोशन भी कोई नहीं करनी और सब्सक्राइब भी नहीं करना, मैं समझ सकता हूँ, बड़ी जिंदगी मैंने गुजारी है, मुझे पता है कि क्या चल रहा होता है दिमाग के अंदर। खैर सी इन द नेक्स्ट वीडियो।